अदानी एंटरप्राइजेस नया निवेश करना चाहिए क्या? बिल्कुल करना चाहिए अडानी एंटरप्राइज। मुझे तो 2-3 दिन से, मैं एक्चुअली थर्सडे से अंबुजा तंबुजा की बात कर रहा था, अंबुजा सीमेंट की बात कर रहा था, वहां पर बाय है। कल मैंने अडानी पोर्ट्स की बात की, वहां पर बाय है। आज मुझे अडानी विल्मर अच्छा लगता है, अडानी ग्रीन में बहुत अच्छी बाइंग हो रही है। मेरे ख्याल से जगह तो अच्छी है खरीदने की, अगर आप डिलीवरी का सोचते हैं। ट्रेडिंग का सोचते हैं तो भूल जाइए, वो आपको काफी नीचे ऊपर देखना पड़ेगा, लेकिन अपने डिलीवरी पॉइंट ऑफ व्यू सेफ रहता है। अब अंबुजा सीमेंट 600 हाई था, 598 आधे दाम में मिल रहा है, क्या खराब है? कंपनी तो बंद नहीं होगी, सीमेंट तो चलेगा। हम लोग हमेशा वैल्यूएशन की बात करते हैं, और टेक्निकल रूप से अंबुजा सीमेंट में बाय मिला हुआ है, इसलिए मैंने थर्सडे को बाय दिया था अंबुजा सीमेंट। इनफैक्ट ये बात तो आपने सही की, आज भी ये देश की तीसरी सबसे बड़ी सीमेंट कैपेसिटी के हिसाब से ग्रुप है, चाहे अदानी एसीसी अंबुजा को अगर आप जोड़ भी लें तो भी 75 मिलियन टन के आसपास ही कैपेसिटीज़ हैं। आगे बात करते हैं, सतीश जी से हमारे साथ जयपुर से मौजूद हैं। सतीश जी नमस्कार, क्या सवाल आपका हाँ पूछिए। नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार सतीश जी। हाँ मेरे पास HDFC लाइफ है, तो किस भाव पे? 665 करीबन के हैं। ओके क्या करना चाहिए ओके कितना समय से और दे सकते हैं आप सतीश जी? अब प्रॉफिट के लिए जब तक रखूं? तो गाबा सर, स्ट्रक्चरली ये जो बजट में एक अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद से स्टॉक में बहुत तेज बिकवाली आई, करीब करीब 664-665 में नहीं खरीदारी, 180 रुपये पर शेयर घाटा, क्या करें? चॉइस नहीं है, लेकिन कंपनी कह सकते हैं पेडिग्री अच्छी है, वीक है, और भी लोअर लेवल देख सकते हैं। कहां से टर्न करेगा पता नहीं, जब भी टर्न करेगा वहां पर ऐड कर सकते हैं क्योंकि पेडिग्री अच्छी है, लेकिन लगता है कि थोड़ा रेसिस्टेंस है अपर रीजन में। हो सकता है यहाँ पर जो ट्रेड कर रहा है 485 के आसपास, शायद यहाँ पर सपोर्ट मिले। टेक्निकल रूप से लगता है कि जगह अच्छी है, अब मिलना ही नहीं मिलता है वो देखना पड़ेगा, लेकिन अब तक कंफर्मेशन नहीं है इस चीज से। तो फिलहाल आप लॉस पे बैठे तो होल्ड कीजिए, नथिंग टू वरी। बने रहे फिलहाल तो सतीश जी, और क्योंकि पेडिग्री अच्छी है इस लिहाज से भी आप इसको देख सकते हैं। अदरवाइज जेतल पारिक हमारे साथ मौजूद हैं मुंबई से बातचीत करने के लिए। पारिक साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्कार सर। सर, मेरे पास लोरा स्लैब के 650 शेयर है, ओके 169 में लिए हुए हैं। 169 में। और हाँ जी, हाँ जी, ओके यानी मुझे वो जो अपना उसका स्प्लिट हुआ था ना, हाँ तो हाँ 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 उसमें ये रेट आ गया था, ओके तो मुझे जाना है सर, इसका हाई उसका 569 गया था, और अभी नॉन स्टॉप और नीचे आ रहा है, तो उसे क्या करना चाहिए सर? मेरा लॉन्ग टर्म गोल है। तो आपके तो प्री एडजस्टमेंट के शेयर होंगे आई गेस हाँ, प्री एग्जिस्टमेंट सर, जी, राइट। तो अभी प्रॉफिट में आप दिख रहे हैं, वरना इतने सीवियर डैमेज में बहुत लोगों को लॉस हुआ है स्टॉक में। हाँ, ओके गाबा सर, पुरानी खरीद है लॉरा स्लैब की, आज ये भले ही ऊपर से बहुत नीचे आया लेकिन एक तरफा चला ही बहुत था एक समय पे शेयर, और अच्छा पैसा बना के दिया था इसने 2020-2021 जोन्स में। अभी क्या करें, 185 165 रुपये के भाव पे खरीदारी है इनकी और 130 अभी चल रहा है, अभी क्या करना चाहिए ना? ऐसा है कि ऑल टाइम हाई 723 था, वो कोरोना था तो उनका वो सीजन का टाइम था, बहुत कमाया सभी डायग्नोस्टिक कंपनी ने। अब कोरोना गया तो डायग्नोस्टिक कंपनी की हालत खराब हो गई, अब यहां पर डाउन है, इनके डबल मिल रहा है। मैं होता तो मैं पैसा लेके भूल जाता है, अब जो होता है होने तो। अब मैं सोचूंगा 723 हुआ इसलिए ऊपर जाएगा, तो आपको बस मिस हो गया। एक जगह होती है निकलने की, और बेस्ट जगह निकलने की थी करीब करीब 650 में, अब वो मिस हो गया। अब 330 है, फिर भी डबल मिल रहा है, पैसा लेके निकल जाइए। मुझे स्ट्रक्चरली लॉरस लैब टेक्निकली वीक नहीं पता है, फंडामेंटल मुझे थोड़ा भी पता नहीं, तो मैं